अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन लर्निंग कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो पिछली वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड किए थे उनको आपस में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब है कि उनको आपस में रिलेट करेंगे ताकि हमें फ्यूचर में अपने कोडिंग के अंदर जो है वो ईज़ फील हो, हमें आसानी हो, ठीक है, कोडिंग करते हुए। इसके अलावा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि गिट बैश क्या है, हमने उसको क्यों इस्तेमाल किया है, और उसके बाद हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वीएस कोड क्या है, उसको उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसकी सेटिंग्स क्या हैं, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको उस सारे इन्वायरमेंट से फेमिलियर करवाऊँगा ताकि फ्यूचर में जब हम कोडिंग करें तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना पेश आए, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। वीएस कोड को ओपन करेंगे, उसके लिए हम वीएस कोड यहाँ लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो वीएस कोड हमारा ओपन हो जाएगा। ये जी हमारा वीएस कोड ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह का हमारा, जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको वीएस कोड इस तरह का नजर आएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड पे देखें आपको एक बार नजर आएगा, इसमें जो सबसे एंड पर है ये है एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक सर्च बार आएगा, यहाँ पर आपने सर्च करना है पाइथन, ठीक है। जैसे कि आप पाइथन लिख के सर्च करेंगे तो जो पहली आइटम है जो कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफर हुई है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इस बटन पे क्लिक कर कर इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर होने में कुछ टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन किस तरह का है। बहरहाल ओवरऑल 2 से 3 मिनट में या 4 मिनट में जो है ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो पाइथन है वीएस कोड में बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मुझे क्या कह रहा है कि रीलोड रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि आप एक बार पाइथन को बंद करें, वीएस कोड को बंद करें सॉरी, और उसके बाद दोबारा से इसको चलाएं। तो मैं यहाँ क्रॉस पर क्लिक करके इसको बंद करूँगा और फिर दोबारा से वीएस कोड को मैं चलाऊँगा, ठीक है जी। ये रीलोड हो गया, अब इस टाइम इसके अंदर हमारे वीएस कोड के अंदर पाइथन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो पहला क्वेश्चन आता है जी कि हम वीएस कोड क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, ये एक ऐसा कंपाइलर है जो के मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप पाइथन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीएचपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एचटीएमएल, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए आप एक ही कंपाइलर यूज़ कर सकते हो। यूज़र फ्रेंडली है ये और बहुत ही डायनामिक किस्म का ये जो है आपके पास कंपाइलर है। अब हमने वीएस कोड के अंदर पाइथन को जो है वो इंस्टॉल कर लिया। अब अगला काम क्या है कि गिट बैश को अपने वी एस कोड कंपाइलर के साथ हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ज़रूरत क्या पड़ी है गिट बैश की। तो ये सारी बात मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर में जाता हूँ, ये मैंने एक फोल्डर बनाया। अब पहले क्या करते थे, जब ये सारे के सारे हमारे पास नहीं होते थे कंपाइलर्स वगैरह और कमांड लाइन वगैरह, तो डेवलपर्स क्या करते थे कि खुद ही फोल्डर में जाकर मैनुअली उनको कोड बनाना, फाइल बनानी पड़ती थी। यहाँ न्यू में आके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो मिसाल के तौर पर मैं इसको लिखता हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ से ये टीएक्सटी फाइल को मैं चेंज करता हूँ पीवाई पे, तो डॉट पीवाई का मतलब होता है कि ये पाइथन की फाइल है। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना, ये मुझे यहाँ पर मांग रहा है कि आर यू श्योर, यस। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसका जो आइकन है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब ये फाइल कहाँ चली गई है, पाइथन की। अब इसके बाद फिर वो क्या करते थे कि इसको एडिट करते थे और फिर इस फाइल के अंदर जो था वो अपना कोड करते थे, ठीक है। लेकिन ये कन्वीनियंट बिल्कुल नहीं है, अब आज के दौर में डेवलपर्स इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि आज के दौर की रिक्वायरमेंट है कि आपके काम की फ्लुएंसी बहुत ही तेज़ होनी चाहिए, स्पीड बहुत ही तेज़ होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है इस कंपाइलर के अंदर एक टर्मिनल जो है उसको अटैच कर लेते हैं। गिट बैश बेसिकली एक कमांड लाइन टर्मिनल है, वर्ड के साथ भी जो विंडोज के साथ टर्मिनल आता है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, पावर शेल। विंडोज के साथ ये पावर शेल का जो है वो आता है, टर्मिनल आता है, ठीक है। अब टर्मिनल से हम करते क्या है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अगर इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाना था, एक नया फोल्डर बनाना था, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर आके मैनुअली एक राइट क्लिक करूंगा, फिर यहाँ न्यू में जाकर मैं इस फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक फोल्डर बन जाएगा। लेकिन अगर आप कोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ से ये सब चीज़ें मिनिमाइज करके फिर वहाँ जाकर दोबारा करना पड़ेगा। टर्मिनल का हमें क्या फ़ायदा है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली ही उस फोल्डर के अंदर अपना एक फोल्डर बना सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ mkdir और आगे फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर 2, ठीक है। इसके बाद मैं एंटर करूंगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखें यहां पर ये दूसरा एक फोल्डर बन गया,
ठीक है, हमें इस अपने कंपाइलर को मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं पेश आई, हमने यहां पर डायरेक्टली कमांड लिखी है और वहां से हमने अपना काम कर लिया, ठीक है, इसलिए टर्मिनल्स हम यूज करते हैं। अब विंडोज के साथ आता है पावर शेल, लेकिन पावर शेल जो है वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि डेवलपर्स ज्यादातर लिनक्स पे काम करते हैं। लिनक्स क्या होती है जी? लिनक्स जिस तरह से आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उस तरह से लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो गिट बैश है ना, वो आपका लिनक्स की कमांड्स भी जो है उसको भी सपोर्ट करता है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि इस पावर शेल की बजाय गिट बैश को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपने वीएस कोड के अंदर गिट बैश को किस तरह से अटैच करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से फाइल्स में आए, फाइल्स में आएंगे, नीचे आए प्रेफरेंसेस में, और यहां से आपने आना है सेटिंग्स में। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने जी ये साइड पर राइट साइड पे ऊपर एक बटन है, यहां पर आना है, आपके पास एक विंडो यहां पर ओपन होगी। अच्छा, अब कुछ लोगों के पास यहां पर ऑलरेडी कोई लाइंस कुछ स्क्रिप्ट लिखी हो सकती है, आपने परेशान नहीं होना। जिनकी नहीं लिखी होगी उन्होंने भी परेशान नहीं होना, जिनकी लिखी होगी उन्होंने भी परेशान नहीं होना। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने क्रोम ओपन करना है, ओपन करके आपने यहां पर लिखना है इंटीग्रेट गिट बैश विद वीएस कोड, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये लिंक आएगा, ये फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये विंडोज आपके विंडो आपके पास ओपन होगी, आपने नीचे आना है, नीचे आ जाना है, नीचे आना है। यहां पर आपके पास ये गिट बैश की एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये नीचे आपने यहां से इसको सिलेक्ट करना है, सारे के सारे को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने अपने वीएस कोड में आना है और ये जो विंडो थी यहां पर आपने आके पेस्ट कर देना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर वो लोग जिनके पास पहले ही कोई यहां पे लाइंस लिखी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इसके एंड पर यहां कॉमा लगा के फिर नीचे उसे पेस्ट कर देंगे। अगर किसी की लाइन नहीं लिखी कोई भी, तो फिर आपने डायरेक्टली उसे पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आपने इस फाइल को सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस एस के साथ ये फाइल आपकी सेव हो गई है। अब इसके बाद आपने दोबारा से इसको वीएस कोड को आपने रीस्टार्ट करना है। यहाँ पे क्रॉस करें वीएस कोड जी, अगर अब आप देखोगे तो यहां पर टर्मिनल के अंदर आपका बैश आ रहा है। क्या आ रहा है, बैश, और ये देखें ये टर्मिनल भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। ये वही बैश है जो हमने गिट बैश पिछली वीडियो में इंस्टॉल किया था। अब हमने पाइथन को भी वीएस कोड के अंदर इंटीग्रेट कर लिया है और हमने गिट बैश को भी वीएस कोड के अंदर इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट आते हैं, ये फोल्डर मैं ओपन करता हूँ अपना वही वाला। बेसिक यूजेस मैं आपको गिट बैश के एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, फिर इस पर तफसीली बात जो है वो कमांड्स वगैरह पर हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक फाइल मैंने बनानी है, ये मैं फोल्डर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये है ओपन विद कोड, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली फाइल डायरेक्टली ही इस वीएस कोड में ओपन हो जाएगी। कैसे, ये देखें ये साइड के ऊपर आपकी सारी की सारी उस फोल्डर की कंटेंट्स आ गए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, तो मैं बजाय इस फोल्डर के आने के मैं यहां पर ही कमांड दूंगा। क्या कमांड दूंगा, mkdir, फोल्डर का नाम रखता हूं टेस्ट फोल्डर। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखें यहां पर टेस्ट फोल्डर के नाम से एक फोल्डर बन गया, ठीक है। अब ये सारा काम गिट बैश से हम ले सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या काम है, ये कमांड मैंने क्या दी है यहाँ पर, ये mkdir मैंने क्या कमांड दी है, इसके अलावा और कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, वो मैं सारी की सारी एक प्रॉपर वीडियोस पे बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैं कमांड्स के ऊपर सारी बात करूंगा, ठीक है। जो कमांड्स हम यूज करेंगे उनको मैं पहले ही एक वीडियो के अंदर सबको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।